हाँ जी नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल जाटम चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके सामने एक बहुत खूबसूरत सा टॉपिक लेके आया हूँ। अगर आपकी ऑलरेडी एक कोई कंपनी है या आप कंपनी शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए इन छोटे छोटे शब्दों का मतलब जानना बेहद ज़रूरी है, जिससे कि आप अपनी कंपनी बेहतर तरीके से चला पाएंगे और अपनी कंपनी के बारे में अपने कंसल्टेंट से बेहतर तरीके से उसकी बातों को समझ पाएंगे। सर, तीन चार चीज़ें: ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होती है, एमओए क्या होता है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, चार्ज क्या होता है। तो हम बहुत ही डिटेल में, बहुत ही कम समय में इन सारी चीज़ों को समझेंगे। सर, सबसे पहले कैपिटल वाले पॉइंट को हम समझ लेते हैं। कैपिटल वाले पॉइंट को समझने के लिए अपने को छोटी सी दो तीन बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे हम आप नेचुरल पर्सन हैं, जैसे सर क्या होता है, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, राइट? जैसा आप एक मेरा कंपनी क्या होती है वाले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन में आपको दे रहा हूँ। तो वो जब हम लोग जब एग्जिस्टेंस में आते हैं तो अपन लोग को डॉक्टर्स को अपने पेरेंट्स के पैसा देते हैं। इसी तरीके से जब कंपनी एग्जिस्टेंस में आती है तो कंपनी एक लीगल डॉक्यूमेंट है, एक अग्रीमेंट के फॉर्मेट में आती है। तो उसके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसके जो क्रिएशन के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं, शॉर्ट में एमओए और एओए बोलते हैं। तो सर, इसको कहीं ना कहीं रजिस्टर कराना होता है। तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराना होता है अपने को, और जब हम रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट को उसकी स्टाम्प ड्यूटी पे करनी होती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ये गवर्निंग एक्ट है, उनको हमको उनके हिस्से का पैसा देना होता है, करेक्ट? तो सर, ये जो पैसा लेते हैं ये किस बात पे लेते हैं? ये एक तरीके की हमसे पूछते हैं कि आप साहब, इस अपने जो जिस भी धंधे के लिए आप काम शुरू करने जा रहे हो, कंपनी बना रहे हो, उस धंधे में कितना पैसा लगाओगे? तो ये हम कितना पैसा लगाएंगे ना, इसके ऊपर वो हमसे फीसेस चार्ज करते हैं। और सर, ये जो फीसेस हमसे चार्ज करते हैं, ये जितना पैसा हम लोग लगाते हैं उसके ऊपर प्री डिसाइडेड एक फॉर्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंग ये फीसेस निकल के आती हैं। तो ये जो हमने बताया कि हम इतना कैपिटल लगाएंगे, इसका मतलब हमको सरकार से उतनी पूंजी, बतौर पूंजी उतना पैसा लगाने की अथॉरिटी मिल गई। तो सर, इसीलिए हम उसको बोलते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मान लीजिए हम और आप दो लोग मिलके एक कंपनी बनाना चाहते हैं। हम और आप दोनों लोग मिलके पहुंचे साहब सरकार के पास। हमने कहा, सरकार अपने को एक कंपनी बनानी है। सरकार ने कहा, कितने रुपए लगाओगे? मैंने कहा, सर हम लोग दोनों लोग मिलके 5 लाख रुपए लगाएंगे। तो कहा, ठीक है, तुम दोनों लोग 5 लाख रुपए के वाले ऑथराइज हो। तो सर, ये 5 लाख रुपए क्या हो गया? अपनी ऑथराइज कैपिटल हो गई। अब हम लोगों ने कहा कि सर, हम 2.5 लाख रुपए लगाएंगे। हम दोनों ने अपने म्यूचुअली हमारा डिस्कशन हो गया अपने उस फर्म के बाद में, क्योंकि फर्म सरकार के पास हम दोनों गए थे इंडिविजुअल कैपेसिटी में, नहीं इस कंपनी की कॉमन कैपेसिटी में गए थे। तो सरकार ने हमसे 5 लाख रुपए के लिए पैसे लिए और हमने उसको जैसे भी पैसे दिए, वो सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं है। सरकार ने कहा कि जो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे रहे हो उसमें ये जरूर बता देना कि आप दोनों लोग कितना कितना पैसा लगाओगे। हमने कहा कि सर, हम 2.5 लाख रुपए लगाएंगे, ये भी 2.5 लाख रुपए लगाएंगे। तो एक तरीके से ये हमने क्या किया, सब्सक्राइब कर लिया। उस 5 लाख रुपए की कैपिटल में 2.5 लाख रुपए हम लगाएंगे, 2.5 लाख रुपए आप लगाएंगे, करेक्ट? अब जब ये 2.5 लाख रुपए सर सब्सक्राइब्ड हो गया, तो अब मान के चलते हैं कि कंपनी चलाने के लिए सारा का सारा पैसा तुरंत तो नहीं लग जाएगा। तो कंपनी चलाने के लिए हम लोग बैठे और एक मीटिंग की, और उस मीटिंग में हुआ कि ऐसा है राम, 1 लाख रुपए आप लाओ और 1 लाख रुपए आप लाओ। तो आपने कहा कि सब, हमारे पास तो अभी 1 लाख रुपए नहीं है, हमारे पास तो अभी 70,000 रुपए हैं। मेरे पास 1 लाख रुपए थे तो मैंने 1 लाख रुपए दे दिए, तो मेरे लिए मेरा पेडअप अमाउंट कितना हो गया, 1 लाख रुपए हो गया, और आपके लिए आपका पेडअप अमाउंट कितना हो गया, 70,000 रुपए हो गया। टोटल पेडअप कैपिटल अमाउंट कितना हो गया, 1,70,000 रुपए हो गया, करेक्ट? तो सर, ये जो 30,000 रुपए आपके हिस्से का बचा है वो क्या हुआ सर, वो अनपेड कैपिटल है। और जो बाकी का 3 लाख रुपए, क्योंकि अपने पास टोटल अथॉरिटी कितनी की थी, 5 लाख रुपए की, और 5 लाख रुपए में हम दोनों ने डिसाइड अभी कितना किया कि 1-1 लाख रुपए मंगवा लेते हैं। तो बाकी की 3 लाख रुपए क्या हुआ सर, वो अभी अनकॉल्ड मनी पड़ी हुई है। तो ऑथराइज कैपिटल जितने के लिए हम लोग ऑथराइज होते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल जितने के लिए हम लोग सब्सक्राइब करते हैं, पेड अप कैपिटल जितना हम सब्सक्रिप्शन के बाद पे कर देते हैं,
अनकॉल्ड कैपिटल ऑथराइज्ड का वो हिस्सा जो अभी कॉल ही नहीं किया गया, अनपेड कैपिटल कॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा जो पे कर दिया गया, राइट। तो ये सारा कुछ सिस्टम होता है कैपिटल के मामले में। फिर हम पहुंचते हैं लिमिटेड शब्द का मतलब क्या होता है सर। तो लिमिटेड शब्द का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपने 70,000 रुपये दिए थे, मैंने 1,00,000 रुपये लगाए और कंपनी हम लोगों की गई डूब, ठीक है, हमारे ऊपर एक उधारी निकल आई। तो अब मैंने सब्सक्राइब कितना किया था सर, मैंने सब्सक्राइब किया था 2,50,000 रुपये। आपने कितना सब्सक्राइब किया था सर, आपने भी 2,50,000 रुपये सब्सक्राइब किया था। आपने कितना पे कर चुके हो, आप सर 70,000 रुपये पे कर चुके हो। मैं कितना सर पे कर चुका हूँ, मैं सर 1,00,000 रुपये पे कर चुका हूँ। तो हमारी जो लेवलिटी है सर वो 1,50,000 रुपये की बाकी रह गई है। तो हमसे 1,50,000 रुपये मैक्सिमम और मांगा, इसलिए हमारी लिमिटेड है ये 1,50,000 रुपये हमारी। अगर मान लीजिए मैंने 2,50,000 रुपये पूरा लगा दिया होता तो हमसे कुछ नहीं मांगा जाता, आपसे सर कितना मांगा जाएगा, 1,80,000 रुपये, क्योंकि आप 70,000 रुपये लगाए हो, करेक्ट। तो लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जितना आपने सब्सक्राइब किया आपसे उससे अधिक की डिमांड नहीं की जाएगी। सर अब हम पहुंचते हैं चार्ज के ऊपर। जब कभी आपकी कंपनी कोई लोन लेगी ना, तो लोन लेने के बाद में वो लोन वाले डॉक्यूमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर रजिस्टर कराना होता है, सबको पब्लिकली बताना होता है कि साहब हमने लोन लिया है, और उस लोन का पब्लिक डोमेन में सबको पता रहता है कि हमने इतना। आपको कभी मौका लगा तो हम जैसे रिलायंस जैसी बड़ी कंपनीज हैं, हम उनमें दिखाएंगे कि वो लोन्स के ही ऊपर चलती हैं जितनी कंपनी, ढेर सारा पैसा होता है लोन के फॉर्मेट में। अब सर हम पहुंचते हैं मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर। तो सर मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये दोनों कंपनी के चार्टर्स होते हैं। मेमोरेंडम आउटसाइडर्स के लिए डील करता है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरनल पॉलिसीज बनाता है, राइट। तो जब भी कभी आपकी कंपनी किसी थर्ड पार्टी के साथ डील करेगी तो आपके पास क्या पावर्स हैं, आपकी मेमोरेंडम में क्या होता है सर। मेमोरेंडम में आपका नाम होता है आपकी कंपनी का, आपकी कंपनी कहाँ पे कौन से राज्य में है, आपकी कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट है, आपकी कंपनी की कैपिटल कितनी है, आपकी कंपनी के सब्सक्राइबर्स कौन है, राइट। ये सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। तो और आपकी कंपनी अपने मेन ऑब्जेक्टिव को करने के लिए क्या छोटे छोटे काम कर सकती है, राइट। तो आपकी कंपनी जब कभी किसी थर्ड पार्टी के साथ में डील करती है तो क्या वो ऑथराइज्ड है या नहीं है, क्योंकि अगर वो ऑथराइज्ड नहीं होगी तो कंपनी काम नहीं कर सकती, और अगर उसके फिर भी कोई काम किया गया तो वो वॉइड काम हो जाता है, ठीक है, वो वॉइडेबल हो जाता है। अब वाइड और वाइडेबल में क्या अंतर होता है, आप अगर जानना चाहते हैं तो आप मेरे को कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अच्छा, जब कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज की बात होती है कि डायरेक्टर्स कैसे काम करेंगे, कितने डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स के नाम क्या हैं, फर्स्ट डायरेक्टर्स के नाम क्या हैं, कंपनी अपने रिजर्व्स कैसे क्रिएट करेगी, कंपनी ऑथराइज कैपिटल कैसे बढ़ाएगी, कंपनी पेड अप कैपिटल कैसे बढ़ाएगी, तो इस तरीके के जो इंटरनल पॉलिसीज वाले क्वेश्चंस होते हैं सर, ये एक दूसरे डॉक्यूमेंट में लिखे जाते हैं जिसको हम लोग आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो आप लोगों को कन्फ्यूजन करते हैं, मैंने उनको बहुत ही अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की है। सर अगर आपको कुछ और पॉइंट के बारे में जानकारी चाहिए तो आप बेशक हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने पॉइंट्स लिखें, मैं आपको उन सारे पॉइंट्स के ऊपर अपनी राय अवश्य दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।